किलोमीटर? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारी गाड़ी अनवरत राशन बांटने का काम कर रही थी। आज भी गाड़ी जगदीशपुर और बड़का गांव में राशन बांटने के लिए गई थी, लेकिन मैं हतप्रभ हूँ कि ये सिबरी थाना के अंतर्गत कैसे गाड़ी हमारी चली गई और हमारे कार्यकर्ताओं से अभी तक कोई बात नहीं हुई है जो कि उस पर राशन बांटने के लिए गए थे। तो ये कैसे सिबरी में चली गई? जब वार्ता उनसे हो जाएगी मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। मैं तो जब से सुना हूँ तब से लगातार प्रशासन के, चाहे SP हो, थाना प्रभारी हो, चाहे DSP साहब हो, सबसे संपर्क किया कि कम से कम इस पर सही और माकूल कार्रवाई की जाए। और मैं बिहार सरकार के साथ हूँ कि अगर मेरे साथ साजिश के तहत ऐसा काम किया गया है तो इसकी न्यायिक जांच करे बिहार सरकार और माकूल उन साजिशकर्ताओं को जवाब दे। आप आज शाम एक गुप्त सूचना दी थी कि एक गाड़ी में शराब लेके जाया जा रहा है, तो हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए सिमरी थाना के द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको उसमें जांच की गई तो शराब की बरामदगी हुई। सर, किसी गाड़ी है? ये जो गाड़ी है अभी तक जो स्पष्ट हुआ है उससे जो हम लोग जो वाहन ऐप होता है उसके माध्यम से जो पता किए हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक जी की गाड़ी है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ रहा है सर? अब तक के इन्वेस्टिगेशन में यह क्लियर है कि इस गाड़ी से शराब ढोई जा रही थी, तो सभी पे प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जो चार लोग पकड़े गए हैं उन लोगों पे भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, इसके साथ साथ जो गाड़ी के ऑनर हैं उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की। सर, विधायक जी ने कहा है कि हमारी गाड़ी गई थी राशन वितरण करने, गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची? वो अभी आप लोगों से कहा है, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो अभी हम लोग जो लीगल है विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं।